हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोविजन उसको लेंगे। और इसमें हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए वो एमसीक्यू टाइप हैं। तो टोटल वैसे तो एमसीक्यू 20 हैं, पर एक शीट के अंदर ऑलमोस्ट 3-3 क्वेश्चन हैं। तो उसको हम शीट को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। और इसको आप एक काम कर सकते हैं कि इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीन शॉट लेके या इसके क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करके अपने आप के आंसर जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, इफ पी माइनस वन कॉमा पी प्लस थ्री एंड कॉमा थ्री पी माइनस वन आर इन ए पी, देन पी इज इक्वल टू। तो इसमें तीन टर्म दे रखी हैं आपको और तीनों के लिए कहा गया कि तीनों ए पी में है। तो यहाँ पर एक तो मैं जनरल टर्म बता दूँ आपको कि जनरल टर्म ऑफ ए पी जो होती है वो होती है ए कॉमा ए प्लस डी, ए कॉमा ए प्लस टू डी, लाइक दिस। तो यहाँ जो डी नज़र आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ये आपको पता होगा, आपने किया होगा चैप्टर। तो हर स्टेप के अंदर डी का एडिशन हो रहा है। तो ये टी वन टी टू टी थ्री अगर लिखते हैं तो यहाँ टी टू माइनस टी वन जो आएगा वो आएगा कॉमन डिफरेंस, दो टर्म का डिफरेंस। अगर इसको मैं इस स्टेप को इससे घटाते हैं इस टर्म को तो आपको डी मिलेगा। फिर इस टर्म को इससे घटाते हैं तो भी आपको डी मिलेगा। तो टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डी एंड टी टू टी थ्री माइनस टी टू इज ऑल्सो डी। तो ये जो डी वाला पार्ट है दोनों तरह से इक्वल होने से टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू हो जाएगा टी थ्री माइनस टी टू। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ सेकेंड टर्म ये शीट में देखें, हम क्वेश्चन वाले में सेकेंड टर्म था पी प्लस थ्री और ये था फर्स्ट पी माइनस वन। तो पी प्लस थ्री माइनस पी माइनस वन एंड थ्री पी माइनस वन माइनस पी प्लस थ्री। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका तो यहाँ पर पी प्लस थ्री माइनस पी और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो माइनस पी प्लस पी माइनस पी एंड प्लस वन। तो यहाँ पर पी प्लस और माइनस पी कैंसिल हो जाएंगे। इसी साइड इस साइड के अंदर बात करते हैं, थ्री पी माइनस वन माइनस पी और ये माइनस इस प्लस थ्री को माइनस थ्री कर देगा। तो यहाँ थ्री पी में से पी जाएगा तो टू पी बचेगा और यहाँ हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री, दैट इज माइनस फोर ओनली। अब क्या करेंगे, थ्री प्लस वन हो गया फोर और इस फोर माइनस फोर को जब इधर लेके आएंगे तो प्लस फोर हो जाएगा एंड एट इज इक्वल टू टू पी और एट अपॉन टू नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा टू फोर ज़ा एट, तो पी इज इक्वल टू फोर। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस का ए आंसर देगा। और क्वेश्चन नंबर टू हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इज़ ए पी वन अपॉन टू क्यू कॉमा वन माइनस टू क्यू अपॉन टू क्यू कॉमा वन माइनस फोर क्यू अपॉन टू क्यू डॉट डॉट डॉट। ये ए पी में देखा ऑलरेडी इसने, इट इज़ इन ए पी। तो अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का वही फॉर्मूला टी टू माइनस टी वन कर देंगे। तो देखो टी टू माइनस टी वन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इसके अंदर। तो डी इज इक्वल टू होता है टी टू माइनस टी वन। तो टी टू है आपका वन माइनस टू क्यू अपॉन टू क्यू एंड दिस इज द वन माइनस फोर क्यू अपॉन टू क्यू। तो आपको सिर्फ दो टर्म ले लेना है कोई से भी। तो हमने यहाँ पर जो लिया है टी टू माइनस टी वन लिया है। तो टी टू आपको वन माइनस टू क्यू अपॉन टू क्यू दे रहा है माइनस टी वन, टी वन इज वन अपॉन टू क्यू। तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो टू क्यू इसका एलसीएम आ जाता है। और इसके बाद यहाँ जब वन और माइनस वन उससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टू क्यू अपॉन टू क्यू एंड इट विल बिकम माइनस वन। तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है, ए इज माइनस वन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, द सिक्वेंस ऑफ द नंबर्स माइनस टेन कॉमा माइनस सिक्स कॉमा माइनस टू कॉमा टू डॉट 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 इज। तो अगर ये कह रहा है कि एन एन ए पी विद डी, तो ये चार चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अपने पहले चेक करते हैं कि ए पी है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इसके अंदर वैसे ऑरली ये दिखना है आपको, वैसे ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है कि माइनस टेन में अगर हम फोर ऐड करते हैं तो माइनस सिक्स आता है, माइनस सिक्स के अंदर फिर फोर ऐड करते हैं तो माइनस टू आता है, फिर माइनस टू में फिर फोर ऐड करते हैं तो टू आता है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सबका बराबर है। अब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, फोर आ रहा है। और कॉमन डिफरेंस इक्वल है इसका मतलब ये ए पी है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा बी करेक्ट, दिस इज एन ए पी विद द डी इज इक्वल टू फोर। तो ये हमारी पहली शीट हुई। और इसी तरह से हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, उसमें नेक्स्ट शीट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फोर टू फाइव भी सॉल्व कर, फोर टू सिक्स सॉल्व करेंगे। तो इसको आप चेक करें और अपना आंसर को एक बार वेरीफाई कर लें। थैंक यू।